तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। सो माय नेम इज विनोद कुमार तिवारी। तो आज हमारा जो लेक्चर सीरीज है, किसके लिए ले रहे हम, यहाँ पे देखो, इसके क्यू एस सी टी पर देखा जाए तो फुल फॉर्म क्या है, क्वांटिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर। आज हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा हो जाए, पूरा चैप्टर्स, पूरा यूनिट्स, यूनिट वन एंड टू ट्राई करते हैं कितना होता है, ठीक है। तो आपको ये जो लेक्चर सीरीज आप देख रहे होंगे, सतीश साइंस अकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर आप देख रहे होंगे, और ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम सभी लोग अच्छे से इसको देखें, फॉलो करें, ठीक है, तो आपको फायदा होगा। नोट्स वगैरह बनाएं, ठीक है, और अगर आपको इसके नोट्स लग रहे हैं तो आप सतीश साइंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उससे भी आपको सारा का सारा ये मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते भाई आगे। चलिए, तो अब यहाँ पे हम वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कंटेंट क्या क्या, हम ये कंटेंट तो मैंने सब यहाँ पे आपके लिए बताया कि हम क्या क्या इस पर डिस्कस करने वाले। कंटेंट क्या क्या भाई यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वर इन सिविल इंजीनियरिंग, एक क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द एस्टिमेट एंड व्हाट आर इट्स टाइप, क्या क्या टाइप के एस्टिमेट होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हर बार यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन कौन से एस्टिमेट है यहाँ पे, 4 या 6 मार्क का, 4 मार्क का बनेगा या 6 मार्क का बनेगा, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर का भी आ सकता है, क्या रोल होता है। हाउ टू प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, क्यूबिक कंटेंट मेथड के ऊपर आता है। और रेट एनालिसिस हम यहाँ पे नहीं करेंगे, रेट एनालिसिस हम क्या करने वाले, अपना रेट एनालिसिस जो होता है वो यूनिट नंबर 4 में अपने को अलग से दिया हुआ है, ठीक है। और व्हाट इज बीओक्यू, ओके, बीओक्यू का डिफाइन आता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे, तो वन बाय वन डिस्कस करते। चलिए, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या रोल ऑफ, देखो रोल क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जो रोल होता है, रोल ऑफ द क्वांटिटी सर्वेयर इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये क्वांटिटी सर्वेयर का क्या रोल होता है सिविल इंजीनियरिंग में, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन है, एक है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। देखो तो ये क्या करता है, रोल ऑफ क्या करता है, बजट बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, एस्टिमेट करता है क्वांटिटी सर्वेइंग, मेजर द शीट्स, मेजरमेंट शीट बनाते हैं, कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, अब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना। अब्स्ट्रैक्ट शीट सबको पता है, अब्स्ट्रैक्ट शीट बोले क्या होते हैं, जिसमें हम कॉस्ट वगैरह डालते हैं, मेजरमेंट शीट हम जिसमें क्वांटिटी डालते हैं, ठीक है। टेंडरिंग प्रोसेस में देखो बीओक्यू एंड स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये सब क्या होता है, प्री कंस्ट्रक्शन में होता है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम है ना, जब कंस्ट्रक्शन के टाइम, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, वर्क का एग्जीक्यूशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बिलिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड वेंडर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स ऑफ द एक्चुअल कंप्लीशन। तो क्या करता है, बिलिंग वगैरह, कितना काम आपका कंप्लीट हुआ है, कितना लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, तो सब इसी से होता है, ठीक है। तो ये की पॉइंट कुछ आप लिख सकते हैं कि भाई ये सर्वेयर का क्या काम रहता है, ठीक है। तो वी विल गो अहेड नेक्स्ट, देखो अगर हम बात करें तो अब क्या है, व्हाट इज द एस्टिमेट एंड व्हाट आर इट्स टाइप। एस्टिमेट क्या होता है, तो सबसे पहले डिफाइन एग्जाम में पूछी जाएगी व्हाट इज एस्टिमेट। तो एस्टिमेट क्या होता है भाई, इट इज ए कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड एंड एक्सपेंडिचर लाइकली टू बी इनक्योर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क। किसी भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना आपको क्वांटिटी लग रहा है चीजों का, ठीक है, उसको निकालना ही हम क्या करते हैं, एस्टिमेट बोलते हैं। डिटरमाइंड थियोरेटिकली बाय द मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्लान एंड ड्राइंग, ठीक है, एंड करंट रेट। करंट रेट हमारे पास ड्राइंग होती है, ड्राइंग के बेस पर हम क्या करते हैं, रेट निकालने की कोशिश करते हैं, और हमें करंट रेट पता हो तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉइंट। और ये प्रोवाइड करता है क्या, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट कितना आएगा कंस्ट्रक्शन का, ये क्या करता है, इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। मे बी प्रिपेयर अप्रोक्सीमेटली एज प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, और हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली भी प्रिपेयर करते हैं प्रीलिमिनरी एस्टिमेट थ्रू अ रूल्स विदाउट गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क। हम डिटेल में नहीं जाते हुए सिंपल सिंपल से छोटे छोटे चीजों से प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बताते हैं कितना पैसा लगेगा, उसको हम समटाइम उसको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आर प्रिपेयर फ्रॉम किससे बढ़ते, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क। अगर हमें कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, और ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ वर्क हुआ है क्या कहीं पे, अगर हुआ तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर दी एस्टिमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या भाई, एक्यूरेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन डिटेल आइटम वाइज बाय डिटेल एस्टिमेट। और डिटेल एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, हर चीजों का डिटेल डिस्कशन करते, हर चीजों का डिटेल कॉस्ट निकालते। डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन ए टू स्टेजेस, और डिटेल एस्टिमेट को हम 2 स्टेज में बनाते हैं। पहला क्या भाई, फर्स्ट वर्किंग आउट द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क एंड देन वर्किंग आउट दियर कॉस्ट एंड सुटेबल रेट्स। पहले हम क्वांटिटी निकालते, फिर उसका कॉस्ट पता करते कितना क्वांटिटी, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते और टोटल रेट क्या होता है चीजों का निकल जाते हैं, ठीक है। ओपीडी इज क्लियर टू सभी को, क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वी विल गो अहेड, नेक्स्ट क्या बात करता हूं यहाँ पे, प्रिलिमिनरी
और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी क्या होता है या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, या अगेन आपको देखा एस्टिमेट मेड टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन ए शॉर्ट टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म में अप्रोक्सीमेट कॉस्ट किसी बिल्डिंग का निकाल रहे हैं या किसी चीज का निकाल रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द अप्रोक्सीमेट, या अप्रोक्सीमेट बोलो या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बोल सकते, ठीक है। दस इनेबलिंग द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कंसर्न टू कंसिडर द फाइनेंशियल आस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर ग्रैंडिंग सेंक्शन टू द सेम, यानी कि अगर हमें क्या मिलना है, अगर किसी भी हमें अगर उसका सेंक्शन ग्रैंटिंग हो, अगर हमें सेंक्शन चाहिए कि हमें सेंक्शन मिल जाएगा चीजों का, हमें पहले उसका कॉस्ट भी क्या करना बताना पड़ेगा, ठीक है। सच एस्टिमेट इज फॉर्म्ड आफ्टर नोइंग द रेट ऑफ द सिमिलर वर्क एंड बाय द यूज ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन कौन से मेथड हम यहाँ अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं, दैट इज यूनिट एरिया एस्टिमेट्स, सेकेंड क्या करते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, प्लिंथ रेट कितने, यूनिट एरिया रेट कितने, अगेन क्यूबिक रेट एस्टिमेट कितना है, क्यूबिक रेट क्या चल रहा है, ठीक है, अगेन प्लिंथ एरिया हो गया। हम ये वेरियस मेथड है, चलो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट देखो प्रिलिमिनरी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, यहाँ पे यूनिट एरिया एस्टिमेट आपको एग्जाम आ जाएगा कि व्हाट इज यूनिट एरिया एस्टिमेट्स। अगर आप पढ़ेंगे यूनिट एरिया एस्टिमेट तो अगर आप देखेंगे कि भाई इन दिस मेथड ऑल कॉस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ सिमिलर वर्क और रिसेंट स्ट्रक्चर आर कंसिडर्ड द फर्स्ट एंड देन एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट पर करस्पॉन्डिंग यूनिट बाय द नंबर ऑफ यूनिट इन द न्यू स्ट्रक्चर। यानी कि आपको एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पता है, उसका कॉस्ट कितना वो भी पता है, अब आप क्या करेंगे वैसे ही सेम नए घर का कॉस्ट निकालेंगे उसके बेसिस पे। एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ वन रूम ऑफ क्वार्टर आर एस कितना है 30,000, देन कॉस्ट ऑफ थ्री रूम्ड क्वार्टर कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। मे बी यहाँ पे क्या होता है, मे बी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाता है, हम ये रेट को बढ़ा के ले लेंगे। मान लो अभी यहाँ पे क्या 3 रूम का था, मे बी इसमें क्या होता है कभी कभी जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है तो कॉस्ट में भी चेंज हो जाते हैं, कॉस्ट का फैक्टर भी हम कंसिडर कर सकते हैं पर जनरली लोग करते नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये कॉस्ट अगर चेंज हो गया जैसे अभी 30,000 लग रहे हैं, सपोज 3 साल बाद अगर मे बी ये 60,000 रुपये लगे, डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है दैट इज प्रिलिमिनरी अप्रोक्सीमेट में जो है नेक्स्ट है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। अभी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट की हम बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया देखो, इन दिस मेथड प्लिंथ एरिया एल इन टू डब्ल्यू करते इज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर एट द प्लिंथ या फ्लोर लेवल पर। हम क्या करते एक्सटर्नल डायमेंशन रूम के मेजर कर लेते, प्लिंथ एरिया दस फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग द प्लिंथ एरिया रेट ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ द लोकेलिटी। अब आप क्या करते प्लिंथ एरिया निकाल दिया, अब उस पर्टिकुलर एरिया में आपका प्लिंथ एरिया रेट क्या चल रहा है, प्लिंथ एरिया रेट कितना कंस्ट्रक्शन पर प्लिंथ एरिया या प्लिंथ एरिया रेट क्या चल रहा है, हर लोकेलिटी वाइज जो प्लिंथ एरिया रेट होता है वो क्या करता है वेरी करता है, तो आपको रेट पता होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम उसके ऊपर वैसे देख लें, रिसेंटली बिल्ट, देखो एग्जाम्पल ए रिसेंटली बिल्ट 4x9 meter वन रूम क्वार्टर कॉस्ट कितने है 30,000, न्यूली बिल्डिंग ऑफ सेम स्पेसिफिकेशन इज प्रपोज टू बी क्या 10x10.5 अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग, तो क्या होगा प्लिंथ एरिया और सिमिलर बिल्डिंग प्लिंथ एरिया इंटू लेंथ ऑफ ये कितना था 4x9 इतना आया, उसके बाद प्लिंथ एरिया रेट फॉर द सिमिलर बिल्डिंग, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिवाइड बाई टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, तो क्या करेंगे 30,000 डिवाइड बाई 36 आ गया, तो ये प्लिंथ एरिया रेट आ गया आपको। तो अब आपको कितना के लिए करना था 10x10.5, तो 10x10.5 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको अराउंड 90,000 के आसपास क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड दी प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है। क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल समझा होगा, न्यूमेरिकल भी काफी आसान भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया सो दैट आपको चीजें आसान लगे, ठीक है भाई। आप देख रहे हो सती साइंस अकेडमी को, तो आपको पता है हम जो लेते वही एग्जाम आते हैं, टेंशन लेने का बिंदास जाने का, पेपर लिख के आने का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो वी विल गो अहेड, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिक रेट एस्टिमेट। अब ये क्यूबिक रेट एस्टिमेट क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट हम कैसे करते हैं, इन दिस मेथड हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकालते हैं, क्या करते हैं वी कैलकुलेट वॉल्यूम, इन दिस मेथड वॉल्यूम एल इंटू डब्ल्यू इंटू हम क्या करते हैं एच वॉल्यूम निकालते हैं, इन दिस मेथड वॉल्यूम ऑफ द प्रपोज बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड एंड देन दी मल्टीप्लाई बाई द लोकल क्यूबिक रेट ऑफ द सिमिलर टाइप्स। पहले इसका वॉल्यूम निकालते फिर क्यूबिक कंटेंट का वॉल्यूम, क्यूबिक कंटेंट का जो रेट है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल से करेंगे तो ज्यादा बेटर समझेगा, ठीक है। क्यूबिक रेट एस्टिमेट इज द मोस्ट एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द यूनिट एरिया एंड प्लिंथ एरिया। अगर यूनिट एरिया और प्लिंथ एरिया से कंपेयर किया जाए तो क्यूबिक रेट एस्टिमेट क्या है आपका ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, क्या है ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट भी हम पिक्चर में देखो, एज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो कंपेयर, यहाँ पे हाइट कितनी बड़ी है वो भी हम डिस्कस करते हैं।
एग्जाम्पल रिसेंटली बिल्ड 4x9x3 meter वन रूम क्वार्टर, ठीक है, जस्ट यहाँ पे एनचेस करते वन रूम क्वार्टर कॉस्टेड आरएस 30,000 rupees. न्यू बिल्डिंग ऑफ द सेम स्पेसिफिकेशन इज टू बी प्रपोज टू बी कितने 10x9 या 4.5 meter अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. भाई देखो क्यूबिक रेट कैसे निकालते, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट कितना था वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग से, तो ये पर इतना वॉल्यूम के लिए 1 meter cube के लिए इतना कॉस्ट आ गया. अब क्यूबिक रेट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द न्यू बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग का अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, इफ आई वॉन्ट टू ट्राई टू कैलकुलेट फॉर द न्यू बिल्डिंग, तो न्यू बिल्डिंग का मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे देखो न्यू बिल्डिंग का, तो न्यू बिल्डिंग का क्या होगा, देखो अभी 238 आया इंटू नए बिल्डिंग का जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यू बिल्डिंग का वॉल्यूम क्या है 10x10.5 इंटू क्या कर देंगे 4.5, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 न्यूमेरिकल भी कर लिए, इससे देखो यूनिट एरिया मेथड का कर लिया, प्लिंथ एरिया का भी कर लिया, और क्यूबिक कंटेंट का भी क्या कर लिया न्यूमेरिकल कर लिया. तो ऐसा न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में भी दिख सकता है, याद रखिए. तो क्यूबिक कंटेंट मेथड आपकी ज्यादा ही एक्यूरेट है इन कंपैरिजन ऑफ प्लिंथ एरिया और एरिया मेथड कंपैरिजन किया तो. ठीक है, समझ आया सबको, हाँ या ना बोलो. तो होप इट इज क्लियर, सबको समझ आ रहेगा. तो बढ़ते आगे हम नेक्स्ट हम बात करते भाई यहाँ पे डिटेल एस्टिमेट, तो वी विल टॉक अबाउट द डिटेल एस्टिमेट. तो डिटेल एस्टिमेट क्या होता है हम ये बात कर लेते हैं, व्हाट इज डिटेल एस्टिमेट. डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है, इट इंक्लूड द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ एवरी सिंगल आइटम. हम क्या करते हैं एक सिंगल आइटम का कॉस्ट भी इसमें निकालते हैं. रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि कितना हर आइटम का कॉस्ट हम निकालते हैं उसको जोड़ते हैं. एंड इज द बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट दैट कैन बी मेड, और ये सबसे बेस्ट और सबसे एक्यूरेट मेथड होता है एस्टिमेट करने का. और डिटेल एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट के लिए द क्वांटिटी ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम द वेरियस मटेरियल. देखो डिटेल एस्टिमेट के लिए हमें क्या करते हैं, क्या क्या लगता है डिटेल एस्टिमेट के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम द वेरियस मटेरियल, जैसे हो गया लेबर हो गया इक्विपमेंट हो गया, अगेन क्या हो गया इक्विपमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, हम ये सब कैलकुलेट. इट ऑल्सो गिव आइडिया ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और कितना टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने, यहां से भी एक छोटा मोटा आपको आइडिया मिल जाते हैं. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इनवाइटिंग ए टेंडर, इनवाइटिंग ए टेंडर इनवाइट करने के लिए भी अभी हम टेंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर और आर्बिट्रेशन भी अपना पार्ट है अगला, तो इनवाइटिंग टेंडर एंड टू अरेंज ए कॉन्ट्रैक्टर एंड टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. अब हम क्या करते हैं कितना खर्चा लगेगा और उस खर्चे को हम ड्यूरिंग जब कंस्ट्रक्शन चलेगा उस टाइम पे उस कॉस्ट को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते, किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते. ठीक है, इतना समझ आया भाई लोगों, बोलो सबको समझा एक बार कमेंट सेक्शन में, तो क्या आप ऐप में सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऐप वगैरह कमेंट सेक्शन में. ठीक है चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते भाई डिटेल एस्टिमेट की. अभी आपको आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिटेल एस्टिमेट 4 mark के लिए. तो डिटेल एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द डिटेल एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, डिटेल एस्टिमेट देखो, तो डिटेल एस्टिमेट डेटा रिक्वायर्ड फॉर द डिटेल एस्टिमेट एज फॉलोस, क्या क्या रहता है रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट आप बनाते हैं. ठीक है, स्पेसिफिकेशन काम किस तरीके से है, कैसे सीमेंट यूज कर रहे हैं, कैसे कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं. इट गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ वर्क, लेइंग डाउन द क्वांटिटी एंड क्वालिटीज, क्वांटिटी कैसी होगी क्वालिटी कैसी होगी ऑफ द मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वर्कमैनशिप एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क. ड्रॉइंग हमें यहाँ पे लग दिया, प्लान हो गया, सेक्शनल एलिवेशन हो गया, डिटेल ड्रॉइंग स्केल विद स्केल स्केल्ड एंड फुल्ली डायमेंशन, यानी कि उसको जो आपने प्लान बनाया उसके ऊपर पूरे डायमेंशन भी मार्क होना चाहिए. ठीक है, कैलकुलेशन एंड डिजाइन, फाउंडेशन बीम और स्लैब ATC हमें यहाँ पे भी लगता है, रेट से लगता है, कौन कौन सा रेट बोलो यहाँ पे कौन सा रेट हमें लग रहा है, रेट बोलो तो रेट पर यूनिट ऑफ द वेरियस आइटम, यानी कि सीमेंट बैग का कितना है, कॉन्क्रीट का कितना है, ये सब रेट ऑफ द वेरियस मटेरियल टू बी यूज, मटेरियल कितना, लेबर का रेट कितना, वेजेस ऑफ द डिफरेंट एंड ओके कैटेगरीज ऑफ लेबर, जो लेबर हम यूज कर रहे उनके किसके, जैसे मेसन यूज किया, लेबर यूज किया, भिस्ती यूज किया. ठीक है, तो इनका रेट कितना दे रहे हैं, इनका सैलरी कितनी दे रहे पर डे के हिसाब से पता चाहिए. दीज रेट्स मे बी ऑब्टेंड फ्रॉम द PW पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट शेड्यूल ऑफ बुक, उसको बोलते क्या DSR बोलते, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट से आप ये पूरे रेट्स वगैरह ले सकते. मे बी वर्कआउट बाई द रेट एनालिसिस मेथड, और इसको हम कैसे वर्कआउट करते, दिस इज टू बी डन और दिस इज वर्कआउट बाई यूजिंग द रेट एनालिसिस मेथड. ठीक है, अगर आप अपने देखते हो पूरे उसमें पूरे क्वांटिटी सर्वे की प्लेलिस्ट बनी है. ठीक है, अब अच्छे से बने वीडियो एकदम मस्त एकदम रात चिक वाले वीडियो,
आप देखिए आपको फुल मजा आएगा एकदम, ठीक है, एकदम डिटेल में चीजें डिस्कस की गई है न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वी विल गो अहेड, ठीक है, नेक्स्ट। तो डिटेल एस्टिमेट का हम एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। डिटेल एस्टिमेट का क्या होता है, डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन टू स्टेजेस। इसको हम क्या करते हैं, दो स्टेज में हम बनाने की कोशिश करते हैं डिटेल एस्टिमेट को। फर्स्ट वर्किंग आउट द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, पहला हम क्वांटिटी को निकाल लेते हैं। सेकंड क्या करते हैं, वर्किंग आउट दियर कॉस्ट, फिर हम क्या करते हैं उसका कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ द मेजरमेंट कैलकुलेशन क्वांटिटी, ये मेजरमेंट का शीट का फॉर्मेट है, मेजरमेंट शीट। द होल वर्क को हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। जैसे अर्थ वर्क हो गया, कॉन्क्रीटिंग हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, ठीक है, एसआर नंबर हो गया, ये मेजरमेंट शीट का डिस्क्रिप्शन और पर्टिकुलर्स, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और क्वांटिटी, या आप लास्ट में क्या कर सकते हैं रिमार्क भी आप क्या कर सकते हैं एड ऑन कर सकते हैं। कभी कभी आपको आता है ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट शीट एंड अब्स्ट्रैक्ट शीट, ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट शीट एंड अब्स्ट्रैक्ट शीट। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर करेंगे, आपको बेटर आइडिया आएगा, ठीक है। देखो अब्स्ट्रैक्ट शीट का फॉर्मेट देखो, अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट। अब्स्ट्रैक्ट कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ द ईच आइटम का कॉस्ट होता है, एसआर नंबर देखो, डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट कितना आएगा। यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क इज कैलकुलेटेड इन अ टेबुलर फॉर्म फ्रॉम द क्वांटिटी ऑलरेडी कंप्यूटेड। जो क्वांटिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है मेजरमेंट शीट में, हम वो क्वांटिटी को यहाँ पे डालते हैं, उसका यूनिट क्या, रेट कितना, फिर अमाउंट निकाल देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी कंप्यूटर टोटल कॉस्ट इज वर्क आउट इन द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेशन फॉर्म, इसको अब्स्ट्रैक्ट शीट बोलते हैं। जो पीछे वाली शीट हमने देखी उसको क्या बोलता हूँ, वी कॉल इट एज द मेजरमेंट शीट, ठीक है भाई, क्लियर है। द रेट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क आर टेकन एज पर द शेड्यूल रेट और द एनालिसिस रेट। अब हम जो भी रेट यहाँ पे डालते हैं वो रेट कहाँ से लेते, दिस द रेट आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट, या आप मार्केट में सर्वे करके या रेट एनालिसिस करके आप इस रेट को पता करते हो। 3-5% इज एडेड फॉर द कंटेजेंसी, कंटेजेंसी वाला फ्यूचर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द डिजाइन ETC। फ्यूचर में अगर डिजाइन चेंज हो गया, मार्केट में अगर चेंज हुआ, ठीक है, कुछ कॉस्ट वगैरह चेंज हो, तो अनफोर्सिन कॉस्ट यानी कि फ्यूचर में जो कॉस्ट एड ऑन हो सकते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं 3-5% ऑलरेडी एड करके रखते हैं, ठीक है। और 1.5-2.5% फॉर ऑल्सो एडेड टू मेंटेन द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ, यानी कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का क्या मीनिंग होता है कि आप जो एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ आ रहा, जो बाहर से मान लो लिफ्ट बिठाने के लिए आया, या आपने जो रेनफोर्समेंट बिठाया उसका सुपरविजन चेकिंग के लिए आ, या प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग प्रॉपर तरीके से रेनफोर्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ जो आप यूज करते। तो याद रखना कितने डाल रहे हैं उसको, 1.5 से 2.5 या 3-5% से, ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ठीक है, सबको समझ आया एकदम अच्छे से। तो एक बार नोट्स बनाते चलिए, मजा आएगा आपको अगर नोट्स बनाते हैं तो, अगेन आपको एकदम मस्त लगेगा, एकदम जबरदस्त, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है डिटेल एस्टिमेट का, जस्ट वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एज वेल, आपको दिख रहा होगा, तो होप इट इज विजिबल, ठीक है ना, तो ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई इश्यू नहीं, इज विजिबल ना, देखो यहाँ पे। सो एक क्वेश्चन आपको, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जस्ट सेकेंड, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी आगे। देखो या तो अब ये क्वेश्चन हमें डिटेल एस्टिमेट से करना है, तो ऐसे ही हमने यूनिट नंबर 3 में भी ऐसा क्वेश्चन कराए हैं, आप देखेंगे अगर वीडियो देखेंगे तो वहां पे भी हमने ऐसे क्वेश्चन के साथ हम डील करते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो देखो डिटेल एस्टिमेट्स फॉर द सिमेट्रिकल वॉल, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ द 10 मीटर इन ए लेंथ हूज क्रॉस सेक्शन हैज बीन शोन इन द फिगर, दिखाया है अर्थवर्क इन एक्सकेशन निकाले, लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन निकाले, ब्रिक वर्क एंड द अबो ग्राउंड लेवल निकाले, रेट एज पर द शेड्यूल ऑफ द रेट्स, रेट दिया हुआ है, अर्थवर्क कितना दिया है, अर्थवर्क का देखो भाई 400-300 रुपए पर मीटर क्यू के लिए दिया हुआ है, लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन एट द रेट कितना है 195 रुपीज पर मीटर क्यूब है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन कितना अबो एंड अबो कितना 245 पर मीटर क्यूब है, इससे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लें, अभी डायग्राम देखो 15, ये 20 है, ये 56 है, ठीक है, ये देखो ये 10 दिया हुआ है, ये आपका 55 है। अब ये देखो यहाँ से इधर से ग्राउंड लेवल से वो 2.4 है, इसका थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। अब ना पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें मेजरमेंट शीट बनानी पड़ती है, वी हैव टू ड्रॉ द मेजरमेंट शीट। अब मेजरमेंट शीट देखो, दोनों डायग्राम मैंने एकदम बहुत बेस्ट तरीके से एक बार करने की कोशिश की है यहाँ पे, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे। अब क्या है यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या भाई नंबर्स हो गए, यूनिट्स हो गया, लेंथ, विड्थ,
हाइट क्वांटिटी यूनिट एंड टोटल। अब सबसे पहले क्या अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थवर्क एक ही है तो अर्थवर्क एक्सकेवेशन में, तो सबसे पहले अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन निकाला। नंबर वन यूनिट देखो लेंथ 10 है और हाइट कितना है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन देखो, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, तो यहां तक इस लेवल तक मुझे एक्सकेवेट करना पड़ेगा ना। तो अब यहां से लेके जो पूरा डिस्टेंस मुझे क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। इसका जो विड्थ दिख रहा है यहाँ पे, विड्थ देखो, विड्थ कितना है, विड्थ 56.56, ठीक है। हाइट देखो इसका, हाइट कितना आएगा, हाइट यहां से लेके यहां तक हाइट लेंगे 15 + 20 + 55, तो ये आपका 0.9 होगा। अब टोटल दो इनको इनको इसको 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 और इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5.04 आएगा, ठीक है। उसके बाद मीटर क्यूब, अभी इसका रेट बाद में टोटल क्वांटिटी आए, उसके बाद लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, तो ये नंबर वन ही आएगा, ठीक है, यूनिट क्या मीटर में है। उसके बाद लेंथ 10 डालेंगे, अभी देखो फाउंडेशन का देखो लाइम यहाँ पे डाला, ये लाइम दिख रहा है, लाइम ये वाला आपका लाइम है, लाइम तो इसका 0.56 डाला, ये लाइम कितना है 15 सेंटीमीटर का लाइम डाला तो 0.5 डाल दिया। तो इसके बाद क्वांटिटी इन दोनों, इसको 1, 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई क्वांटिटी आ गया, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद क्या भाई, ब्रिक वर्क बिलो ग्राउंड लेवल, ब्रिक वर्क बिलो ग्राउंड लेवल 30 सेंटीमीटर लेयर के लिए, देखो ब्रिक वर्क बिलो ग्राउंड लेवल 30 सेंटीमीटर के लिए, 30 सेंटीमीटर के लिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, देखो क्वांटिटी 1, 10 और विड्थ जो 0.3 हो गई, और यहां से लेके जो हाइट है देखो यहाँ पे हाइट देखो, ये वाली जो 30 सेंटीमीटर की देखो, ये वाली ये जो हाइट है यहाँ तक इस लेवल तक, ये है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 0.2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी छे, तो टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसकी टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट और 20 सेंटीमीटर लेयर ऊपर की लेयर के लिए, इसके 20 सेंटीमीटर के लिए, तो यहाँ पे देखो लेयर 1 डाला 10 0.2, देखो क्योंकि इस वाले लेयर का जो थिकनेस है वो 0.2 है, तो यहाँ पे 0.2 लिखा हमने, 0.2, और ये जो हाइट है ना यहाँ से देखो, इस लेवल से लेके इस लेवल की हाइट क्या है 55, तो 0.55 मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे लिख दिया हमने, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे। उसके बाद जरा ध्यान दो अभी, और ये रह गया था क्या, ब्रिक वर्क अबो ग्राउंड लेवल, तो 1 ये 10 आएगा, 0.2 अब 0.2 अबो ग्राउंड लेवल, तो इस लेवल के ऊपर, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे विड्थ तो क्या, लेंथ तो 10 दी थी, विड्थ कितनी दी थी 0.2 दी थी विड्थ, उसके बाद हाइट कितना हो गई देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है दैट इज 2.4, तो सबको ऐड किया, ये सारी क्वांटिटी ये जो है सबको ऐड किया, तो टोटल क्वांटिटी क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ तक ओनली दिस मच, ये तीनों को ऐड किया यहाँ पे, लेकिन टोटल क्वांटिटी 6.5 आ गई, ठीक है। सो ये डिटेल एस्टिमेट है, हर चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ईच एंड एवरी थिंग्स वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट। अब जैसे अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, जैसे अब नीचे अब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना है इसका, वी वॉन्ट टू मेक द अब्स्ट्रैक्ट शीट, तो अब्स्ट्रैक्ट शीट क्या था भाई, सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट शीट में हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ये था, क्वांटिटी 300 रुपए दिया था, मल्टीप्लाई करके दिया, इधर लिख दिया, ठीक है, परसेंटेज में दिया था, 300% यहाँ पे आप कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन कितना था, 0.84 × 195 दिया था, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ब्रिक वर्क अबो एंड बिलो ग्राउंड लेवल कितना था, 6.5, रेट कितना 245, मल्टीप्लाई करके अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या किया, टोटल कॉस्ट इन सबको ऐड कर दिया, ये आया। उसके बाद क्या किया मैंने, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसका क्या किया हमने, 5% कंटेजेंसी, यानी कि इसको 5% कितना आया, 88.546 आया, 2.5% और क्या इसका, ठीक है 2.5%, ओके इंक्रीज करके लिए हमने 2.5% और, ठीक है, तो ये 44.2, तो इस सबको ऐड कर दिया, 1903.7 आपका क्या आ गया, डिटेल एस्टिमेट है, 2.5% क्यों लिया रहेगा, ठीक है आप मुझे बताना है, ठीक है, ठीक है कॉमेंट सेक्शन बताएगा कि 2.5% हमने क्यों ऐड किया। अभी हमने ये पहला ये भी डिस्कस किया था, कंटेजेंसीज, अनफोर्सिंग कॉस्टेस, वो भी देखा, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, वो सब देखा था, ठीक है, इसलिए 2.5%, ओके, तो ये पूरा ऐड करने के बाद इतना आया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए यहाँ पे, तो आप खुद करेंगे यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो तो एक है यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड होती है, सेंटर लाइन मेथड यहाँ पे क्या होता है, हम पूरा सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते, इन दिस मेथड द सेंटर लाइन मेथड लेंथ ऑफ द वॉल ऑफ द बिल्डिंग आर कैलकुलेटेड, सेम इज मल्टीप्लाई टू द विड्थ और डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिस्पेक्टिव आइटम गेट टोटल क्वांटिटी, हम क्या करते हैं पूरा वॉल के सेंटर टू सेंटर लाइन निकालते हैं, उसको विड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज क्विक बट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, ये क्विक तो रहती है पर इसके लिए स्पेशल अटेंशन भी आपका लगता है, स्पेशल अटेंशन एंड द कंसिडरेशन एट द जंक्शन, टी जंक्शन यहाँ पे, मीटिंग अ पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर वॉल, ओके, फॉर ईच जंक्शन हाफ विड्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम इज टू बी डिटेक्टेड फ्रॉम द टोटल सेंटर लाइन, ठीक है हाफ कर दिया अभी देखो, एंड नो डिडक्शन आर रिक्वायर्ड एट द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग
where the two walls meets, यानी कि two अगर देखो total length निकालनी होगी ना तो क्या करते length निकालने के लिए हम क्या करते total length में से length minus क्या करते 1/2 times into क्या करते 1/2 times यानी कि width, width कितनी होती है तो यहाँ पे ये लिखे half of the width हम क्या करते deduct करते half of the width into number of junction करते कि कितने number of junction आपके आए 2, 3, 4 ठीक है उसमें से हम माइनस करते ठीक है तो होप इट इज क्लियर तो अभी यहाँ पे ये हमने पूरा अच्छे से देखा ये पॉइंट अच्छे से आपको एड ऑन करने हैं ठीक है यहाँ पे देखो तो सी ईयर तो अगेन यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करना है एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ द सिंगल रूम बिल्डिंग हुज स्पैन एंड क्रॉस सेक्शन हैव बीन शोन इन द इमेज अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन आपको पिक्चर वगैरह सब कुछ दी हुई है यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी हो गई यहाँ पे ठीक है ये इसके साइड का इसके साइड का ठीक है सब कुछ दिया आप निकाल सकते हैं कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर ठीक है आप इसके लिए ट्राई मार सकते हो यू कैन ट्राई इट ठीक है सो यहाँ पे इसका आंसर भी आपको मैंने दिया हुआ है काफी आसान है ठीक है ब्रिक वर्क आप निकाल सकते हर एक चीज आपको मैंने यहाँ पे निकाल के दी हुई है ओके अगर आप डिटेल में भी देखोगे तो क्या है इसका पूरे का पूरा मैंने निकाल के दिया हुआ है यहाँ पे भी पूरा क्वांटिटी निकाल के दिया है इवन ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे आपको कराए हुए ठीक है चलो यहाँ पे अब देखो क्वांटिटी ऑफ एस्टिमेट ऑफ द सेंटर लाइन मेथड से अब इसको सेंटर लाइन मेथड से आप कर सकते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने होते इसमें ठीक है ना यू कैन कैलकुलेट देखो यहाँ पे ये वाला ठीक है तो अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट देखो बाय सेंटर लाइन मेथड से आपको निकालने तो सेंटर लाइन मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है आगे भी ये आप कर सकते हो ठीक है एक और एक क्वेश्चन आपको दिया खुद ही आप ये कर सकते हो ठीक है क्या क्या इसमें निकालने पिक्चर वगैरह दिया है डायग्राम आपके लिए असाइनमेंट जैसा रहेगा यू कैन ट्राई दिस नहीं आए तो मुझे बता सकते आप ठीक है चलो ये वाला भी आपको दिया क्या क्या है टोटल लेंथ निकालने देखो क्या इसमें देखो टोटल लेंथ कैसे निकालनी है देखो लेंथ आप निकाल सकते हो भाई पूरा सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना बहुत ही आसान होता है यहाँ पे क्या करते रिस्पेक्टिव लेंथ आर टू बी कैलकुलेट टोटल लेंथ में से क्या करते हैं माइनस टू टाइम्स इन टू जितने जंक्शन होंगे इन टू बी बाई टू करते जितने टी जंक्शन जितने होंगे यहाँ पे देखो जैसे एक टी जंक्शन कितना है यहाँ पे देखो एक टी जंक्शन ये था एक टी जंक्शन इसलिए दो माइनस किए ठीक है तो ये क्वांटिटी पूरे आपको निकाल के दी हुई है यहाँ पे देखो ईच एंड एवरी क्वांटिटी यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है ये वाला वो ठीक है एक्चुअली ये दिस ऑल आर इन द यूनिट नंबर इसलिए पूरा नहीं ले रहा हूँ जब लूंगा ये यूनिट नंबर थ्री में है ठीक है ये रेट एनालिसिस आपका यूनिट नंबर फोर में है तो ये ऑलरेडी मैंने कराया भी है हम ये आप हम क्या बात करने वाले यूनिट नंबर वन है यूनिट नंबर टू की हम बात करने वाले ठीक है ठीक है सो नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते तो वी विल गो अहेड रेट एनालिसिस कैसे करते हैं क्या करते हैं स्किल लेवल का रेट कितना होता है सारा सारा का सारा कितना होता है ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ क्या किया डिस्कस किया हुआ है यूनिट नंबर फोर्थ में इसके जो सारे एग्जांपल्स है ठीक है ये मैंने ऑलरेडी यूनिट नंबर फोर्थ में क्या किया डिस्कस किया हुआ है ठीक है अब यहाँ पे देखो ये है बिल ऑफ क्वांटिटी बी ओ क्यू बोलते इसको बिल ऑफ क्वांटिटी बी ओ क्यू तो ये बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि वट इज बी ओ क्यू तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ वर्क एक स्टेटमेंट होता है एंड गिविंग अ डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ रेट क्या करते हैं यहाँ पे बिल ऑफ क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है BOQ इट इज अ स्टेटमेंट होता है वेरियस आइटम ऑफ वर्क का और गिविंग द डिस्क्रिप्शन आपको क्या मिलता है डिस्क्रिप्शन मिलता है क्वांटिटी एंड यूनिट रेट आपको मिल जाते हैं जैसे आप यहाँ पे देखा पर्टिकुलर ऑफ आइटम्स क्वांटिटी रेट यूनिट और अमाउंट आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा इट इज प्रिपेयर इन द टेबुलर फॉर्म सिमिलर टू द एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट की तरह इसको टेबुलर फॉर्म में माना जाता है ठीक है इट इज प्रिपेयर इन टू द टेबुलर फॉर्म सिमिलर टू द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द डिटेल एस्टिमेट बट द रेट एंड अमाउंट ऑफ द कॉलम्स आर लेफ्ट ब्लैंक और अनफिल्ड देखो जो रेट है उसको क्या करते हैं अपन रेट को नहीं भरते और अमाउंट को भी हम क्या करते हैं नहीं भरते तो हम क्या क्या रख देते हैं अपन BOQ में रेट जो अमाउंट रहता है उसको भी खाली छोड़ देते रेट को भी क्या कर छोड़ देते खाली छोड़ देते इट इज द प्रीमियरली मीन्स फॉर इन्वाइटिंग ए टेंडर ये किसके अंदर टेंडर इन्वाइट करने के लिए कौन किस अपना अमाउंट कितना डालता है अर्थवर्क इन एक्सक्यूशन अर्थवर्क इन फीलिंग पर्टिकुलर जो पार्टी भरेगी फॉर्म वो कितना अपना अमाउंट फिल करती है तो उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेगी ठीक है ओके आगे देखो इट इज प्रीमियरली मीन फॉर इन्वाइटिंग ए टेंडर सप्लाई टू द कॉन्ट्रेक्टर टू फिल अप द रेट एंड अमाउंट ऑफ द कॉलम ये कॉन्ट्रेक्टर को हम देते कि भाई तुम रेट भरो और अमाउंट भरो कितना आते ऑन रिसिप्ट ऑफ द टेंडर्स रेट अमाउंट आर टोटल गिविंग द एस्टिमेट कॉस्ट एंड देन इज कंपेयर्ड एंड डिसीजन अबाउट द इंटरेस्टिंग द वर्क इज फाइनलाइज अब हम क्या करते हर कोई क्या करेगा इस टेबल को भरेगा इस टेबल को भरेगा भरने के बाद जो भी रेट आएगा उसका हम पूरा जो अमाउंट आएगा उसको सम करेंगे फिर सम करने के बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते
कौन कौन सही है, जो लेस अमाउंट है, ज्यादा भी लेस नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी लेस होगा क्वालिटी ओवर खराब होगा। तो एक मिडल जो रहते हैं कि ना बहुत हाईएस्ट कॉस्ट वाला हम कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते ना ही लोवेस्ट वाला, ठीक है। तो एक इन बिटवीन जो हमें लगा कि ठीक ठाक है, हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो भी हमने टेंडर में लिखा था उसके हिसाब से सारे उसने स्पेसिफिकेशन भरे, फिर उसको क्या कर लेते अपन सेलेक्ट कर लेते, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड BOQ। क्या बोलते हैं इसको, बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ। द बिल ऑफ क्वांटिटी, देखो पर्पज ऑफ BOQ क्यों बनाते होंगे, इट इनेबल ऑल द कॉन्ट्रैक्टेड टेंडरिंग फॉर द जॉब प्राइस और एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन विद मिनिमम एफर्ट्स। यानी कि ऐसा हम इसलिए बनाते सारे जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो फटाफट उनको मिनिमम एफर्ट लगा के भर के देना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है, ओके। प्राइस वो क्या कर सकते, भर सकते और मिनिमम एफर्ट्स में। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द ऑफ वेरिएशन व्हिच ऑफन अकर ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। और ये क्या करता है कि प्रोग्रेस जब वर्क का होगा तो उस टाइम पे कोई कॉस्ट में चेंज तो नहीं आ रहा है, इन्होंने जो भरा था वही है क्या, इससे भी हम कंपेयर करें। इट गिव आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विद अ फुल डिस्क्रिप्शन। और ये क्या करता है, जो बिल्डिंग के कंपोनेंट के पार्ट रहते हैं उनके बारे में सारा का सारा बताता है, डिस्क्रिप्शन देते हैं हर पार्ट के बारे में। दिस मे बी असिस्ट द सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर, असिस्ट द सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर इन ऑर्डरिंग मटेरियल एंड असेसिंग द लेबर रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। अब जॉब के लिए कितने लेबर लगने वाले, कितना मटेरियल लगेगा, वो इससे ही हमें क्या करता था, BOQ से, BOQ बोले तो यस BOQ से हमें पता, बिल ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे देखो बिल ऑफ क्वांटिटी से हमें पता चलते सब। आफ्टर बीइंग प्राइज्ड इट प्रोवाइड ए गुड बेसिस फॉर द कॉस्ट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस ऑफ वर्क। और क्या करता, कॉस्ट प्लानिंग और कॉस्ट एनालिसिस के लिए भी क्या करता, एक अच्छा आपको मीडियम देता है या एक बेसिक जिससे आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट वगैरह बचा सकते हो या कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है या एक आपको बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ, अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग मुझे पूछते सर क्वेश्चन भी बता दो, तो एज ए एप्लीकेशन के ऊपर है तो भाई तुम लोगों को मैं पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि क्या आएगा। बहुत सारे लोगों ने पॉइंट सर्वेइंग का जो लेक्चर सीरीज लिया है, ठीक है, तो उसमें से पहले यूनिट में थे तो आपको यही आने वाला है कि BOQ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक कंटेंट मेथड, प्रिंट एरिया मेथड, ओके, एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होती है, मेजरमेंट शीट क्या होती है, और रेट, लिस्ट ऑफ रेट, हर चीजों को हम अलग अलग रेट में मेजर करते हैं, मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, जैसे अर्थवर्क को मीटर क्यूब में मेजर करते, लेंथ को पर मीटर मेजर करते, सीमेंट का जो वर्क होता है मीटर स्क्वायर में, DPC का मीटर स्क्वायर में, तो ये सारे यूनिट आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो बढ़ेंगे अब जो हमारा, अभी हमने यहाँ पे क्या खत्म किया अपना, वी हैड कंप्लीटेड अवर यूनिट नंबर क्या हो गया अपना यहाँ पे, और बहुत सारा आप वीडियो देखेंगे, यूनिट नंबर वन मैंने यहाँ पे आपको पूरा शॉर्ट में एक बार समझा दिया यूनिट नंबर वन। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले, यहाँ पे बात करने वाले यूनिट नंबर टू की। तो यूनिट नंबर वन के ऑलमोस्ट सारे के सारे चीजें हमारी हो गई भाई, अब यूनिट नंबर थ्री के, सॉरी टू की हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दी यूनिट नंबर टू। अब यूनिट नंबर टू क्या है तो देखते हैं, टेंडर एंड क्या है यहाँ पे, टेंडर एंड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अब टेंडर क्या होता है पता है, ये जरा सुन लो पहले, टेंडर क्या होता है, थोड़ा बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो, टेंडर मतलब एक रिटर्न एप्लीकेशन रहती है जिससे हम बोलते हैं कि लोगों को भाई मेरा ये काम है ये करके दे दो, मुझे इस टाइप का सीमेंट चाहिए, इस टाइप का डिजाइन, इस टाइप का कलरिंग चाहिए, इस टाइप का स्पेसिफिकेशन आप लिख के देते, मतलब इतना ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आप यूज करो, ये सब आप क्या करते हो टेंडर के ऊपर लिखते हो। टेंडर क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद क्या होता है ना जनरली, अब ये जो टेंडर को भरने वाले लोग होते हैं ये फॉर्म को भरेंगे, जैसे हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं वो एग्जाम जो पेपर आया वो टेंडर एक तरीके से, तुम भरने वाले सब लोग स्टूडेंट लोग तुम क्या हो गए एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर हो गए। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है जब ये फॉर्म को भरता है, तो जो फॉर्म को भरता है ये फॉर्म भर रहे हो तुम, फॉर्म भरने के बाद क्या होता है अगर तुम सेलेक्ट हो गए, यानी कि तुमने फॉर्म भरा पेपर लिखा, ये जो पेपर तुम्हारा था वो टेंडर, उसमें टेंडर था जो पेपर पब्लिश किया था, पास हो गए तो तुम क्या बन जाओगे कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे काम के लिए। या सिंपल से समझो, सपोज मुझे बोला कि मुझे अपना घर का काम कराना है तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, इस ये चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, सैंड ये लगेगा, ये स्पेसिफिकेशन है, तो टेंडर हो गया। तो आप में से ABC लोग हैं, ABC लोगों ने ये भरा रहेगा, उसमें से मैंने किसी एक बी लोग को या कर दिया, ए लोग को या किसी को भी एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, काम का एक्सपीरियंस कैसा है उसका, ठीक है, वो सब, तो ये बन जाते कॉन्ट्रैक्ट। तो अलग अलग टाइप के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है, समझ आया एक बार सब लोगों को, एक बार बताएंगे, तो होप इट इज क्लियर। चलो तो बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, चलिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो यहाँ पे देखो
यहां पे हम बात क्या क्या करने वाले हैं यहां पे देखो, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या भाई टेंडर क्या होता है और इनविटेशन ऑफ द टेंडर क्या होता है, कहां पे टेंडर देखो, प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं ये बात करेंगे हम, एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर की हम बात करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करेंगे और वेरियस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पे एक और हम साथ है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, जब दो पार्टी के बीच में झगड़ा होता है तो झगड़े को सुलझाने के लिए हम एक मिडल मैन यूज करें, मान लो हम दोनों के बीच में काम था, हमारे बीच में झगड़ा हो गया, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में जाने से पहले क्या करेंगे, एक मिडल मैन क्या करेगा, एक सलाह देगा, वो झगड़े को सुलझा देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेटर। मान लो आपके गर्लफ्रेंड के बीच में आपके बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, धमाधम झगड़ा हो गया, ब्रेकअप के ऑन ब्रेकअप होने वाले, तो ब्रेकअप होने से पहले क्या करते हैं, कभी कभी ब्रेकअप बच जाते हैं, बहुत लकी होते हैं लोग जिनका बच जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो उनका दोस्त लोग उनको बीच में कोई एक फ्रेंड या किसी के दोस्त उसको हेल्प करते हैं दोनों को कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है, तो ये था, ठीक है, समझो। अब यहाँ पे यही आपका होता है आर्बिट्रेटर, तो इसमें हम सब बातें करने वाले, फिर इसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि व्हाट इज टेंडर, टेंडर होता क्या है, व्हाट इज टेंडर, सब लोगों को अब पूछते क्वेश्चन ये आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेंडर, हाउ टू इनवाइट टेंडर, ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ टेंडर, तो हम यहाँ पे सारे वो बातें करने वाले। तो भाई एक टेंडर क्या होता है, एक ऑफर होता है, इज एन ऑफर फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर से एक ऑफर होता है, टेंडर इज एन ऑफर फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्टर टू अंडरटेक ए वर्क इन टर्न फॉर ए सर्टन सम ऑफ द मनी, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है, आपको एक काम मिलता है लेटर के बारे में, पर आपको देखो इन रिटर्न फॉर द सर्टन सम ऑफ द मनी, तो ए टेंडर इज ऑफर फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्टर से एक ऑफर मिलता है टू अंडरटेक ए वर्क, आपको आपको वो एक काम दिया जा रहा है इन रिटर्न फॉर द सर्टन सम ऑफ द मनी, आपको क्या मिलेगा, काम उस काम करने के कुछ पैसे मिलेंगे, या टेंडर क्या होता है, एक लेटर होता है, ऑफर लेटर जैसे होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो टू वर्क, द वर्क टू बी अंडरटेकन मे बी क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क डिफाइन बाय ड्रॉइंग एंड स्पेसिफिकेशन, वहां पर डिफाइन ड्रॉइंग दिया होगा, स्पेसिफिकेशन दिया होगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ मटेरियल लेबर और मशीनरी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, हमें क्या करना होगा, देखो अभी कितना मटेरियल अपने पास है, लेबर है, ये सब का ये चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल कैसे होगा, कहां से आएगा, ये सब यहाँ पे। अब जरा ध्यान दो, ये क्या हुआ, जरा देखो ये क्लाइंट लोग है, ये क्लाइंट लोग है, यहां से ये फॉर्म जो आएगा, ये क्या टेंडर, ये भरेंगे इसको, ठीक है, ये इस लोग को भरेंगे, फिर इनमें से कोई सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो होप अब ये क्या मिलेगा, जब ये टेंडर भरेंगे ये लोग तो इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ये लोगों को, ठीक है, यहाँ पे बताएं। चलो नेक्स्ट, इनविटेशन ऑफ द टेंडर, तो टेंडर कैसे इनवाइट किया जाता है, बिड होती है यहाँ पे, इनविटेशन ऑफ टेंडर, पिक्चर से भी आप ऑलमोस्ट समझोगे कि भाई द टेंडर आर इनवाइटेड इन ए फॉलोइंग वेज, क्या होता है, सिंगल टेंडर जो आप किसी एक आदमी को देने वाले, लिमिटेड कॉम्पिटिशन हो गया, उसके बाद क्या भाई ओपन कॉम्पिटिशन। अभी दे सिंगल टेंडर वाला मेरे को पता है, ये मेरा पहचान का भरोसेमंद है, मैं उसी को देने वाला, तू मेरा काम कर भाई खत्म। तो सिंगल टेंडर, प्राइस टू बी पेड इन ए नेगोशिएटेड विद ए सिंगल कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर आएगा उसके साथ आपको नेगोशिएट करना है और उतना अमाउंट उसको देना है। उसके बाद लिमिटेड कॉम्पिटिशन, मतलब यहां पे लिमिटेड हो, यूजुअली इन द प्राइवेट जॉब टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम ए फ्यू कॉन्ट्रैक्टर हु ऑन प्रीवियस ओकेशंस हैव ऑब्टेंड एक्सीलेंट रिजल्ट, यानी कि यहां पे लिमिटेड लोग बुलाए जाते हैं जिनका जो पास हिस्ट्री है काम करने का बहुत ही अच्छा है, और इनका बैकग्राउंड वगैरह, मान लो कोई ब्रिज का टेंडर मिलता है पुणे में तो बहुत लिमिटेड दो तीन लोगों को मिलता है, जैसे बीजी शिर्के हो गया या कुमार बिल्डर्स हो गया, जिनको मिलता है जो ब्रिज में स्पेशलिस्ट रहेंगे उनको मिलता है। ओपन कॉम्पिटिशन में यहाँ पर कोई भी फाइट कर सकते हैं, यानी कि लॉ रिक्वायर्ड गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक भी, यहाँ पे जो प्राइवेट, ये यहाँ पे जो ओपन कॉम्पिटिशन जो होता है ना, ये होता है कहाँ पे, जनरली आजकल देखो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है सारी चीजें। तो ये जनरली ये जो ओपन कंपटीशन होता है ये क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में होता है, और ये जो लिमिटेड कंपटीशन वाला जो होता है ये क्या होता है, प्राइवेट जॉब में होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे बीडिंग होती है, यहाँ पे बीड होता है, यहाँ पे तो बीड होती है पर यहाँ पे बीडिंग होती नहीं। लॉ रिक्वायर्ड गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट बी एडवर्टाइज पब्लिकली, यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है पब्लिकली न्यूज पेपर में ओके आता है, टू बी ऑब्टेन मोस्ट एडवांटेजेस टर्म्स, ठीक है। तो कोई भी बंदा यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, किसी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ठीक है, ये जो आएगा ओपन कंपटीशन यहाँ पे रहेगा। तो होप ये क्लियर हो गया आपको। तो ओपन टेंडर्स, अब टेंडर, ओपन टेंडर के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज देखो। ओपन टेंडर एडवांटेज क्या है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी भाई, कोई भी ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है ऐसे अवॉइड होता है, अवॉइड फेवरेटिज्म, ठीक है, यहाँ पे अगर एडवांटेज ओपन में है तो यहाँ पे, एंड
प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर हैविंग अ वर्क डन एट द मिनिमम कॉस्ट टू द पब्लिक। और यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे लोग आए तो लोग क्या करेंगे, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले तो लोग ज्यादा ज्यादा कम से कम पैसे में करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे गवर्नमेंट का भी क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज की प्रॉब्लम, क्या व्हाट आर द डिसएडवांटेज, यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या भाई, लोवेस्ट स्टैंडर्ड में बी डिजाइन और मिस्टेक, लोवेस्ट स्टैंडर्ड में भी डिजाइन और मिस्टेक, यानी कि क्या करेंगे आप, क्या करेंगे प्राइस जो करेंगे बहुत ही कम कर देंगे, आपको ये चाहिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उससे क्या क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं रहेगा। देखो पॉसिबिलिटी दैट द फर्म सबमिटिंग द लोवेस्ट स्टैंडर्ड में बी अनसुटेबल फॉर द कैरिंग आउट द वर्क, यानी कि अगर मान लो बहुत सारे ऐसे होते हैं गवर्नमेंट में कि लोग फॉर्म भर देते हैं वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं पर उस बंदे के पास रिक्वायर्ड मशीनरी रिक्वायर्ड मैन पावर मटेरियल होता ही नहीं वो सब कुछ, ठीक है, तो वो ये काम कर पाए तो यहाँ पे पता ही नहीं रहता वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगेन कंसिडरेबल वेस्ट इन द टाइम एंड एफर्ट्स, यहाँ पे टाइम एंड एफर्ट में क्या होता है वेस्टेज होता है, यानी कि जो और ठीक है, और यहाँ पे आपको पब्लिसिटी आपको हर बार कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो टेंडर है उसको न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा तो उसको एडवर्टाइज करने के लिए भी क्या आपके पैसे लगेंगे। ठीक है, समझ आया इतना, तो यहाँ पे टाइम का लॉस भी क्या होता है ज्यादा होता है कंपेयर टू क्या प्राइवेट और लिमिटेड कॉम्पिटिशन के टेंडर में। ठीक है, समझ गए इतना। यहाँ पे देखो द ड्रॉबैक, देखो द ड्रॉबैक कैन बी कैन हाउएवर बी इलिमिनेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ द फॉर प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ये जो ड्रॉबैक है ना हम क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक ऑफ द क्या यार ये प्री क्वालिफिकेशन क्या है, प्री क्वालिफिकेशन क्या क्या रहना चाहिए यहाँ पे लोगों का, व्हाट आर द प्री क्वालिफिकेशंस जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के कुछ प्री क्वालिफिकेशन रहेंगे वो हम उसके बेसिस पे उसको जज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप जरा ध्यान देते, तो नेक्स्ट वी विल गो अहेड। अब यहाँ पे क्या क्या भाई, तो आप ध्यान से समझेंगे, सब लोगों को समझ आया एक बार बताओ मेरे को, सभी के सभी, तो होप इट इज क्लियर, सबको समझ आया, आवाज वगैरह सब आ रही है, चलो आगे बढ़ते अभी। ठीक है, शायद से वो नीचे जो स्ट्रिप जा रही थी कट रहा होगा तो अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे देखो पीछे वाला भी हमने बात किया था, तो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, तो प्री क्वालिफिकेशन क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर के, प्री मतलब आप क्वालिफिकेशन देखते हो उसको कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, इन हाई वैल्यू एंड टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर इज नेसेसरी टू एश्योर दैट कंप्लीशन इज ओनली अमंग कॉन्ट्रैक्टर विद द एसेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ मैचिंग ऑल द चैलेंजेस ऑफ द टास्क, यानी कि जब उसको टास्क दिया जाएगा तो वो उसके कैपेबल है करने के। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर विद द एसेंशियल कैपेबिलिटी, जिसके पास कैपेबिलिटी है उसको ही क्या टेंडर दिया जाए। देखो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विद इनएडिक्वेट कैपेबिलिटी आर अलाउड टू कंपीट द बेटर क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर वुड बी इलिमिनेटेड सिंस देयर बिड प्राइस इज लाइकली टू बी हायर करस्पॉन्डिंग विद देयर हायर कैपेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या करेंगे, ऐसे कैपेबल कॉन्ट्रैक्टर हम ढूंढेंगे, मे बी वो कैपेबल है उसका पास्ट एक्सपीरियंस हम देखेंगे, मे बी उनका जो बिड रहेगा वो जो लोगों ने बिड किया रहेगा वो लोअर साइड का रहेगा क्योंकि उनके पास वो था नहीं, लेकिन वो रेपुटेशन अच्छी होने की वजह से उसने बिड थोड़ा मे बी ज्यादा कर सकता हूँ बिड। ठीक है, तो इनकेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विद ए इनएडिक्वेट कैपेबिलिटी आर अलाउड टू कंपीट द बेटर क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर वुड बी इलिमिनेटेड। ठीक है, सिंस देयर बिड प्राइस लाइकली टू बी हायर करस्पॉन्डिंग टू विद देयर हायर कैपेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्या होता है कभी कभी क्या होता है जब लो बिड कोई कर देता है तो उस टाइम पर अच्छा वाला क्या होता है जो अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या हो जाएगा इलिमिनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो उस वैसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन सच ए सिचुएशन ए सेपरेट स्टेज ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन में भी कंसिडर, इसलिए प्री क्वालिफिकेशन क्या करते हैं हम कंसिडर करते हैं कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर जो सारे बिड कर रहे क्या वो काम करने के लायक है, पास्ट में कितना काम किया, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना सही एक्सपीरियंस है, जो प्रीवियस टाइम पे जो काम लिया था उन्होंने उसको अच्छे से किया क्या। नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट इज अ प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मतलब अंडर दिस प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग टेंडर पब्लिकली द टेंडिंग टेंडर्स कैन बी इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर द सिलेक्टेड एंड रजिस्ट्रेशन एज क्वालिफाइड टेंडर, यानी क्या करेंगे हम लिमिटेड लोगों को ही बुलाएंगे, हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कुछ जैसे गवर्नमेंट जॉब आती है तो सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते, अगर मान लो किसी को टीचर बनना है तो उसके बाद बीएड होना जरूरी है, या तो इंजीनियर लोग भी अप्लाई कर देते वैसे है ना, इंजीनियर लोग भी तो अच्छे टीचर होते वैसे, बट इंजीनियर अप्लाई नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा रहता है, करेक्ट, मतलब टीचर क्या बोल रहा मैं, टीचर जो स्कूल के टीचर बनते कॉलेज स्कूल में जो मैथ्स वगैरह साइंस वगैरह सिखाते वो लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे फॉर दिस पर्पज द क्लाइंट और देयर कंसल्टेंट पब्लिश अन एडवर्टाइजमेंट इन द लीडिंग न्यूज़पेपर, फिर क्या करते हैं वो लीडिंग न्यूज़पेपर में अपना जिस जो टेंडर दे रहे हैं वो एक न्यूज़पेपर में छापते हैं इसके बारे में, और क्या द टेंडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स आर
सप्लाइड विद ए प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, और उनको क्या मांगा जाता है उनसे, प्री क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट मांगा, हाँ भाई तुमने पास्ट में कितना काम किया, तुम्हारे पास क्या क्या एक्सपीरियंस है वो भेज दो। तो यहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, देखो यहाँ पे सब लिखे क्या क्या मांगा है, देखो द नॉर्थ नजीमाबाद ओके जिम खाना इज ए पब्लिक फैसिलिटेशन इन्वाइटिंग ए कम्युनिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग ए हेल्दी एनवायरमेंट यूथ ऑफ दिस एरिया, वी इन्वाइट ए प्रपोजल फॉर द प्री क्वालिफिकेशन फर्म ऑफ द रेप्यूटेड विद एट लीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द डिजाइनिंग एंड बिल्ट वर्क फॉर द फैसिलिटेट ए स्क्वॉश कोर्ट बैडमिंटन टेबल टेनिस एंड द बॉलिंग एली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनना चाहिए। यहाँ पे दिए इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर फर्म शुड अप्लाई एंड मेंशन ऑन इनवॉल्व प्री क्वालिफिकेशन फॉर द डिजाइनिंग एंड बिल्ट अलॉन्ग विद द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। आपको सब ये चीजें मांगती है कि एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट, ये सब आपको पर्टिकुलर एड्रेस या जीमेल पे भेज देना है, यहाँ पे सब कुछ दिया है कि आपने कैसे काम किया, आपके पास क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है, प्री क्वालिफिकेशन क्या क्या, ये आपको मांगा है तो आप इस पर भेज सकते हो। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, तो प्री क्वालिफिकेशन क्या है कॉन्ट्रैक्टर के, देखो प्री क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे जो प्री क्वालिफिकेशन है, टू रिव्यू ए क्वालिफिकेशन ऑफ द टेंडर ओके जस्ट सेकंड ठीक है यहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन तो क्या, टू रिव्यू ए क्वालिफिकेशन ऑफ द टेंडर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इंक्लूड, और जो इंफॉर्मेशन जो आपको टेंडर भरने वाले लोग देंगे, एक देखो पास्ट एक्सपीरियंस कितना इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, पास्ट एक्सपीरियंस मेजर वर्क ऑन हैंड कौन कौन से वर्क हैंड पे है, टेक्निकल पर्सनल इंगेज क्या क्या हुआ है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी कितनी है उनकी, इक्विपमेंट टू बी यूज कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करें, एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे। आफ्टर इवोल्यूशन ओनली दोज कॉन्ट्रैक्टर फाउंड क्वालिफाइड वुड बी अलाउड टू सबमिट द टेंडर इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। अब जो प्री क्वालिफाइड हो जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर, वही क्या करेंगे टेंडर को भरेंगे, कोई दूसरे लोग क्या कर सकते टेंडर को नहीं भर सकते, क्योंकि हमने क्या कर लिया उनका प्री क्वालिफिकेशन देख लिया और हमने ये जज कर लिया कि क्या कर सकते भाई ये लोग क्या कर सकते अप्लाई कर सकते और ये कैपेबल है जॉब करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक टेंडर को भरने के लिए कैपेबल है, लेकिन उनकी ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया, टेंडर डॉक्यूमेंट वेरियस आइटम्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी फॉर्मुलेटेड व्हाइल इनवाइटिंग ए टेंडर फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क आर। अब देखो क्या क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये बात कर रहे हैं। पहले सबसे पहले अगर आपको टेंडर अगर बुलाना है तो आपको क्या करेंगे, लेकिन देखो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। ठीक है, जैसे हमें अगर बुलाना है तो टेंडर बुलाना है तो क्या करेंगे, टेंडर नोटिस पहले निकालना पड़ेगा, टेंडर नोटिस टेंडर फॉर्म विद स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कंडीशन होनी चाहिए, शेड्यूल ऑफ द क्वांटिटी शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी वर्क टू बी डन एंड मटेरियल टूल्स एंड प्लांट्स क्या क्या यूज करने वाला कैसे टाइप का मटेरियल चाहिए वो सब होना चाहिए, एंड टू बी सप्लाई बाय द डिपार्टमेंट इफ एनी। अगर आप कोई मटेरियल आपका डिपार्टमेंट दे रहे हैं जिस डिपार्टमेंट काम हो रहा है अगर सप्लाई कर रहा है तो उसका सब मेंशन हो जाए। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन अगर पूछे कि इतना टाइम में काम हो जाना चाहिए ये सब मेंशन रहना चाहिए, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क रहना चाहिए पूरा क्या क्या काम है वो पूरा उसमें मेंशन रहना चाहिए, स्पेशल स्पेसिफिकेशन एंड एडिशनल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ एडिशनल कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की तो वो भी यहाँ पे मेंशन रहनी चाहिए। ओके, वन ऑफ द अप्रूव्ड ड्रॉइंग वेयर नेसेसरी क्या करते वन ऑफ द अप्रूव्ड ड्रॉइंग वेयर नेसेसरी और अप्रूव्ड जो ड्रॉइंग जो टेक्निकल सेंक्शन या जो अप्रूव्ड ड्रॉइंग आई है वो भी जरूरी होती है। ठीक है, ओके समझ गए सारे के सारे पॉइंट क्लियर हुए। चलो ये पॉइंट वाइज दिखना आपको। नेक्स्ट देखो टेंडर नोटिस कैसे निकलता है, टेंडर नोटिस आपने देखा रहेगा, देखो टेंडर नोटिस भी ऐसा था कॉर्पोरेट अकेडमी ऑफ पर्सनल एजुकेशन कैप एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला यहाँ पे आया है, फर्स्ट फ्लोर एड्रेस दिया है, ये दिया है, सील टेंडर आर इनवाइटेड यहाँ पे इनवाइट किया फ्रॉम द रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर विद वैलिड बी क्लास लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, लाइसेंस ए क्लास बी क्लास लाइसेंस होते हैं, एंड अबो हु आर फाइनेंशियली साउंड एंड वेल एक्सपीरियंस कैरिंग आउट द वर्क ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंटीन बिल्डिंग एट द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरन मुल्ला। ठीक है, यहाँ पे ये दिया है अमरन मुल्ला करके कॉलेज है, इसके एड्रेस वगैरह सब दिया है, तो आपको ये भरना होता है। ठीक है, तो ऐसा टेंडर नोटिस ऐसा था, होप आपको समझा रहेगा टेंडर नोटिस क्या है। देखो समझ गए इतना सारे के सारे पॉइंट क्लियर हुए, थोड़ा जरा इसको ये करते हैं से थोड़ा नीचे का कट रहा होगा तो थोड़ा जस्ट देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट है जस्ट सेकंड है, कट तो नहीं रहा होगा वैसे। ठीक है, इतना रखता हूँ, कट रहा होगा तो इसलिए। ठीक है,
थोड़ा नीचे तक आ रहा है इसलिए चलो है ना। तो होप इतना आपको सब क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टेंडर नोटिस शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज एज पॉसिबल, शॉर्ट होना चाहिए कंसाइज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया था, ठीक है, एकदम छोटा सा, ठीक है। इट शुड कंटेन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होने चाहिए, ऑन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रपोज्ड वर्क एंड ऑल एसेंशियल डिटेल्स सच एज, सारे एसेंशियल डिटेल होने चाहिए। कौन कौन से यहाँ पे 11 डिटेल दिए, नेम ऑफ द इनवाइटिंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी जो टेंडर को बुला रही है, पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स एलिजिबल, कौन से एलिजिबल है, जैसे बोल रहे क्लास बी वाला एलिजिबल है, और अब नेम ऑफ द वर्क एंड इट्स लोकेशन एड्रेस वगैरह कहाँ पे काम है ये, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ द टेंडर फ्रॉम द अदर टेंडर डॉक्यूमेंट्स, प्राइस ऑफ द टेंडर फॉर्म का कितना प्राइस लगेगा, अर्नेस्ट मनी टू बी डिपॉजिटेड, अभी हम बात करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि जब टेंडर फॉर्म भरते उसके साथ कुछ पैसे ही भरने पड़ते, तो अभी हम बात करेंगे अर्नेस्ट मनी कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा, क्यों करते सिक्योरिटी पर कोई बंदा काम छोड़ के चला गया तो, ये सब के लिए। तो काम छोड़ के चला गया तो उस टाइम पे फिर से आपको दोबारा टेंडर इन्वाइट करना पड़ेगा, उस टाइम पे आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को यूज कर सकते। टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना है, लास्ट डेट ऑफ द सेल ऑफ द टेंडर फॉर्म, ठीक है, और लास्ट डेट टाइम एंड द प्लेस ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द टेंडर एंड टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ टेंडर, कहाँ पे लास्ट डेट कब है सबमिट करने का, अगर जब टेंडर सबमिट हो गया तो कब खुलेगा, कौन से प्लेस पे खुलेगा, एंड एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन एक्सेप्ट कर रही है इसको, ये सारे के सारे पॉइंट आपको इसमें आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अब बात करते नेक्स्ट क्या भाई, डिफरेंस बिटवीन क्या है, अर्नेस्ट मनी क्या होता है और एक क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये दो क्वेश्चन बनते ही बनते, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्नेस्ट मनी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अर्नेस्ट मनी क्या होता है भाई, अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी क्या होता है, अमाउंट अमाउंट डिमांड अलॉन्ग विद द कंप्लीटेड बिड टू मेक ए रीजनेबल, देखो अभी क्या होता है अमाउंट डिमांडेड, अमाउंट को डिमांड किया अलॉन्ग विद कंप्लीटेड बिड टू मेक ए रीजनेबल सर्टन दैट ए बिड वॉज मेड इन ए गुड फेथ, यानी कि आप अर्नेस्ट मनी मतलब मान लो जब आप क्या कर रहे हो कि जब टेंडर एक्सेप्ट कर रहे हो उसके साथ कुछ आपसे पैसे मांगते हो उस टाइम, क्या वॉज मेड इन ए गुड फेथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो एश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल विलिंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्टर इफ द वर्क इज असाइंड टू हिम, और अगर इतने पैसे इसलिए मांगे जाते ताकि वो एश्योर हो जाए कि वो काम करने के लिए इच्छुक है, ठीक है। यूजली अमाउंट ऑफ 1 to 1.5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क, मान लो अगर 1 crore का है तो उसका 1 to 2.5% आपको अर्नेस्ट मनी मान लेंगे। The EM, earnest money deposited by the those not selected for work is refunded. मान लो अगर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया earnest money उनसे भी लिया गया था पर वो selected नहीं किए गए तो उनका earnest money refund होता है, लेकिन जो selected हो गया उसका earnest money refund नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ क्या होता है कि जब वो पूरा काम कर लेता पूरा contract पूरा अच्छे से पूरे तरीके से काम हो जाता है last में उसको भी वो मिल जाता है, ठीक है। Next, security deposit क्या होती है, the amount to be deposited by the सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर एज ए सिक्योरिटी फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, जो उसकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए जो वो डिपॉजिट रखते हैं उसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि वो काम करेगा अच्छे से करेगा कहीं भागेगा नहीं। ईएम डिपॉजिट बाय सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर इज कन्वर्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या करते हैं कभी कभी जो ये ईएम रहता है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के टर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यूजली अमाउंट ऑफ 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, और जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है क्या होता है 5% होता है ओवरऑल कॉस्ट का, यूजली अमाउंट ऑफ 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क 5%, इट इज रिफंडेड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ऑफ मेंटेनेंस पीरियड, यानी कि जब कंप्लीशन हो गया मान लो 6 महीने का मेंटेनेंस पीरियड है उसके बाद आपको ये क्या मिल जाएगा रिटर्न मिल जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास नहीं रहते जो कॉन्ट्रैक्ट इन्वाइट कर रहा उसके पास भी नहीं रहता है। जब आप मेंटेनेंस पीरियड कंप्लीट कर ले तो कंप्लीट सक्सेसफुल आपका टेंडर हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट जो काम आपको मिला वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हो तो फिर क्या हो जाता है भाई आपको बल्ले बल्ले आपको बचते वापस मिल जाएगा एकदम चिल पार्टी करने का मस्त खुश रहने का, ठीक है समझे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट टेंडर नोटिस 1-2 देखो, नेशनल हेल्थ मिशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट देखो इनवाइटिंग टेंडर देखो डिटेल ऑफ टेंडर नोटिस देखो यहाँ पे नेम ऑफ द वर्क दिया है यहाँ पे दिया कि नहीं दिया हुआ है कौन से किसके लिए है यहाँ पे कुछ और दिया ऑनलाइन देखो सब कौन कौन से देखो ऑनलाइन परसेंटेज रेट टेंडर इज B1 फॉर्म आर इनवाइटेड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये कौन कौन से लिस्ट है ये सब दिया है नेम ऑफ वर्क एस्टिमेटेड कॉस्ट रुपीज में अर्नेस्ट मनी कितना लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने है क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है और टाइम इन द टाइम टाइम कहां पे होगा कभी कितने महीने के लिए काम कंप्लीशन करना टाइम का ये सारे का सारा इसमें आपका क्या है मेंशन है ठीक है।
होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट टेंडर नोटिस दो, इसमें भी सब उसी में सब कुछ बताया है। देखो डेडलाइन ऑफ द सबमिशन ऑफ द बिड का है, सब दिया है। ठीक है, कहां पे करना है, ऑफिस का नाम भी दिया सर। कौन सा अथॉरिटी है एक्सेप्ट कर रही है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स IDW NH पुणे सर्कल। ठीक है, पुणे में, देखो ये सब, ठीक है, वेबसाइट वगैरह सब दिया, टाइम वगैरह सब दिया रहता है। टेंडर फॉर्म कैसे होता है, ये टेंडर फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे बाजू में लिखा है, ऐसा कोई बताएगा नहीं कॉलेज में, आपको कहीं पे भी ऐसे सिखाने को मिलेगा ना, ऐसा PPT आपको, समझे ना, एकदम बेस्ट वे में सब बता दे। क्या लिखा, टेंडर फॉर्म, इट इज ए प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म बुकलेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर गिविंग स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड जनरल रूल्स एंड डायरेक्शंस फॉर द गाइडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के गाइडेंस के लिए भरा है। क्या लिखा यहाँ पे, देखो कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस क्या औरंगाबाद का है, टेंडर फॉर्म है, देखो टेंडर इश्यू टू मिस्टर जो भी है, यहाँ पे डेट वगैरह है, नेम ऑफ द वर्क ये लिखा हुआ है, सेल ऑफ द टेंडर फॉर्म ये कितने कभी तक हुआ था, डेट ऑफ द सबमिशन क्या है, डेट ऑफ ओपनिंग क्या है, EMD आपको दिया है यहाँ पे, ओके, अर्नेस्ट मनी कितने, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स, कॉस्ट ऑफ द टेंडरिंग फॉर्म कितना है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, होप आपको ये समझ रहेगा। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, ये भी टेंडर डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, दिस प्रिंटेड फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट आर टू बी परचेज ऑन द कैश पेमेंट फ्रॉम द ऑफिस इनवाइटिंग द टेंडर, जो यहाँ सब लेना पड़ता है, कहाँ से, कैश पेमेंट में जाके, कहाँ पे जाके, जहाँ से ये टेंडर फॉर्म मिल रहा है, ये टेंडर फॉर्म आपको खरीदना पड़ता है, जिस प्लेस से आप, जहाँ पे आपको टेंडर भर रहे होंगे या जहाँ से फॉर्म मिल रहा होगा, आपको एड्रेस वगैरह सब दिया रहता है कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, समझ गए, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर भी बनते हैं, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं सब देखो, टेंडर फॉर्म दिया, देखो 2, 3, 4, देखो फॉर्मेट फॉर द कमर्शियल बिड के लिए, टर्म्स देखो, टर्म ऑफ द डिलीवरी एंड पेमेंट कैसे मिलेगा आपको, पेमेंट वगैरह किस तरीके से मिलेगा, देखो कमर्शियल बिड, टाइम ऑफ फ्रेम, ओके, यहाँ पे देखो ये सब आपको इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें बताई हुई रहती है। ठीक है, ये सब कुछ आपका क्या, देखो टेंडर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरा तालुका एंड सब डिविजन प्लेस ऑफिस, यहाँ पे सब दिया, क्या क्या कितने नंबर चाहिए, क्या चाहिए, कैसे क्वालिटी चाहिए, सब स्पेसिफिकेशन वगैरह सब यहाँ पे दिया है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर की, तो व्हाट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, तो ये हम एक बार बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर की। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर क्या होता है, थोड़ा हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से, ठीक है, समझ गए इतना, ठीक है, चलो अब बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर भाई, बिफोर एक्सेप्टिंग द टेंडर इट हैज टू बी मेड श्योर दैट द टेंडर इन द ऑर्डर ऑफ द जेन्युइन एंड सैटिस्फैक्टरी। एक्सेप्ट करने से पहले क्या होना चाहिए, टेंडर आपका जेन्युइन होना चाहिए, सैटिस्फैक्टरी होना चाहिए। इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू एक्सेप्ट द टेंडर और कोटिंग द लोएस्ट अमाउंट, यानी कि वही एक्सेप्ट होता है जिसमें लोएस्ट अमाउंट होता है। ठीक है, हाउएवर इफ द कोटेड अमाउंट इज फार बिलो द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क, ही मे बी इनकैपेबल ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन और रिजल्ट इन द डिले और पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। मान लो इतना भी कम नहीं होना चाहिए, मान लो 1 करोड़ का आप बोला 10,000 में कर देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि फिर अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे तो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं होगा, पुअर क्वालिटी वर्क होगा, और ऑन टाइम पे भी क्या होगा, वो प्रोजेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा उसको या टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिंस इट इज एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट द लोएस्ट टेंडर विच इज इन नियर टू द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क, जो वही सेलेक्ट करो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क के आसपास हो। यानी कि आपने टेंडर इन्वाइट किया, आपको लग रहा है 10 करोड़ लग रहे, तो मान लो किसी ने आपको देखो 9,85,00,000 रुपए लगाए या 80,00,000 रुपए, इसके आसपास ही आप क्या करो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 9 करोड़ का था 1 करोड़ में कर देंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। दियर आफ्टर द सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर इज नोटिफाइड ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ दियर प्रपोजल एंड ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर इज साइन बिटवीन दियर पार्टी एंड द स्पेसिफिक डेट एंड प्लेस। अब क्या होता है, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया जाता है तो दो पार्टी के बीच में क्या होता है, डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, सब टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर क्या था, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था, मान लो 350 रुपये एस्टिमेटेड कॉस्ट था। अब इसमें से कौन सा आप सेलेक्ट करोगे, मान लो अब आप 100 वाला भी नहीं करोगे, 200 वाला, 300, 400, तो ये तो इससे ऊपर हो गया, तो ये तो कोई करेगा नहीं, बेटर आप 200 भी मत करो, 300 वाला करो। अगर आप बहुत ही लोवेस्ट वाला सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या डिले होने के चांसेस, पुअर क्वालिटी, आप 300 करो या 200 भी, ठीक है 200 किया तो देखो ये वाला रिजेक्ट कर दोगे आप, ये वाला भी रिजेक्ट कर दोगे, ये वाला भी रिजेक्ट कर दोगे, आप क्या करोगे, जिसके पास 300 रुपये यानी कि जो कॉस्ट के नियर बाई है उसी को, ये दोनों को रिजेक्ट किया है। ठीक है, रेड कर दिया देखो। ठीक है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, समझ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस के बाद क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की क्या बात होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज द एक्सेप्टेंस, इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं। इसकी क्या इनफोर्सेबल बाय लॉ, ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये हो जाता है। देखो क्या, व्हेन ए पर्सन ऑफर ए समथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेन ए कंसेंट, मतलब कंसेंट ऑफ द अदर इज सेड टू बी ए प्रपोजल। प्रपोजल बना, मैंने कुछ मेरा व्यू पॉइंट ऑफ रखा मेरे की ये करना है। प्रॉमिस क्या, अगर आप बोलते कि चलो कि शादी भी एक करेगा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने बोला किसी से चलो भाई मैं तेरे से शादी कर लेता हूँ, ये क्या हो गया? एक मेरा प्रॉमिस हुआ, ये मेरा प्रपोजल हुआ। अब उसका प्रॉमिस क्या है? वो हाँ या ना भी बोल सकते हैं। ए प्रपोजल दस एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, अगर वो हाँ बोल देता है। जैसे आपको गर्लफ्रेंड को भी प्रपोज करते हो ना, तो ये प्रपोजल आपने, अगर उसने प्रॉमिस किया या हाँ बोला उसने एक्सेप्ट किया, तब हो जाता रिलेशन चालू। उसके बाद क्या होगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या क्या रहेंगे उसमें? एवरी प्रोमिस विच फॉर्म्स सम कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज द एग्रीमेंट, या एवरी प्रोमिस विच फॉर्म्स, यानी कुछ तो प्रोमिस उसमें रहते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, रात को आप बाहर नहीं जाओगे, दिन में खाना नहीं खाओगे, ऐसे जो भी है, ठीक है, जो भी मजाक कर रहे हैं, तुम्हारे जो भी इसमें रहेगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा हमें। तो एवरी प्रोमिस विच फॉर्म्स सम कंसिडरेशन फॉर ईच अदर्स इज नोन एज द एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अन एग्रीमेंट इनफोर्सेस बाय लॉ इज सेड टू बी द कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो जो लॉ द्वारा बनाया गया है, यानी क्या एग्रीमेंट, क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट बना, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ से इसको इनफोर्स किया इज सेड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर्टेन द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच डिटरमाइन द सर्कमस्टेंसेस इन विच एग्रीमेंट शैल बी लीगली बाइंडिंग। एग्रीमेंट ऐसे होना चाहिए लीगली बाइंडिंग होना चाहिए ऑन द पर्सन एंटरिंग इनटू ए इनटू ऑन, यानी जो इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए एग्रीमेंट है दैट अराइजेस आउट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल ऑफर एंड इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक प्रपोजल और ऑफर हो तो जो इनफोर्सेबल के वाय होता है लॉ से, ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट दैट, ये और क्या बोलता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं आपके एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी क्या बिलिस है 1872 में लगे, क्या लिखा? ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट सारे के सारे एग्रीमेंट के आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये लिखा है उसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो और बात है, इसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सेक्शन 10 ऑफ द जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 स्टेट दैट फॉर एग्रीमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग इसेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना चाहिए? ओके, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस उसमें होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए, लॉफुल तरीके से बनाया हो, जबरदस्ती न की गई हो, और कंपिटेंट होना चाहिए। पार्टी टू बी द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंपिटेंट, ठीक है, कंपिटेंट जो काम करने वाले जो पार्टी है, पार्टी मस्ट गिव दियर फ्री कंसेंट, यानी कि जिस पार्टी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आप जबरदस्ती ये नहीं बोल रहे कि आप काम करा के दो, वो आपका, वो आपका फ्री कंसेंट देने, अपना ओपिनियन उसको फ्री है रखने का, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम जो लास्ट अपना जो पार्ट आया दैट इज कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, के ऊपर हम बात करेंगे। देखो भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट बोथ द कॉन्ट्रैक्टर एंड द ऑनर बाय इंश्योरिंग ए एक्सपेक्टेशन आर क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड अवॉइडिंग ए पोटेंशियल हेडेक कॉज बाय ओवरेज एंड अदर अनएक्सपेक्टेड इश्यूज। मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट हम दो पार्टियों के बीच में हो रहा, कभी कभी क्या होता है कि अगर इधर अच्छा दिक्कत हो उसके क्या बोलता है सेम इधर भी कर दो भाई, ये पेंट इधर भी कर दो, सब कुछ तो प्रॉमिस क्या होता है मैं इस पे करूंगा इस पे नहीं करूंगा, तो वो क्या होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी बोथ कॉन्ट्रैक्टर एंड द ऑनर बाय इंश्योरिंग एक्सपेक्टेशन और क्लियर फॉर्म ऑफ बिगिनिंग एंड अवॉइडिंग पोटेंशियल हेडेक, यानी कि ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं दोनों के बीच में कि जो काम है वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हो और दोनों का हेडेक ना हो और कोई अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन भी उसकी बढ़े ना। There are many types of building, बहुत सारे अलग अलग there are many types of building है contracts and they are usually tailored to the need of the project. Some of them are follow. अलग अलग type के क्या है, contractor है, contracts है, कौन कौन से, measurement contract, lump sum contracts, cost plus
कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट, बीओटी कॉन्ट्रैक्ट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये जो ऊपर के तीन है ये क्या, वो इसको बोलते हैं सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट। नीचे के जो दो है इसको बोलते क्या, इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स है, एक दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं, ये ओनर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये एक दोनों से प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई जो भी तेरा काम रहेगा वो मैं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए, शीट दिए थे हमने, बोला था आइटम रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो आइटम रेट मतलब पहले मेजरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसमें, ऑल्सो यूनिट यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसमें। द क्वांटिटी आर मेजर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉइंग, ड्रॉइंग से इसको मेजर किया जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट कोट्स द रेट फॉर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द बिल ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या करता है, ये अपने रेट को कितना काम करने का कितना पैसे लेगा वो इस शीट में लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैव टू वर्क आउट अ कॉस्ट अगेंस्ट ईच आइटम एंड इवेंचुअली फाइंड द टोटल अमाउंट, और फिर उसको यहाँ पे डालने के बाद क्या करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट निकालना पड़ता है, ठीक है। मोस्ट पब्लिक वर्क आर कैरिड आउट बाय दिस फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जो मोस्ट पब्लिक वर्क किए जाते वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से क्या किए जाते, कैरी आउट किए जाते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या, मोर डिटेल एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर हर चीज का कॉस्ट निकालता, मोर डिटेल एनालिसिस करता कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड गेसेस अवॉइड होते हैं, यहाँ पे गेसेस को अवॉइड करता है। हेल्दी कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहते हैं। वर्क कैन स्टार्टेड एज सून एज कॉन्ट्रैक्टर इज फिक्स एंड इजंट नेसेसरी टू वेट अंटिल द फाइनल प्लान आर रेडी, तो यहाँ पे फाइनल प्लान तक रेडी नहीं होना पड़ता है, एक बार कॉन्ट्रैक्टर ने हाँ बोल दिया स्टार्ट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पे देखो डिसएडवांटेज, कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स में झगड़ा हो सकता है। सिंस क्वांटिटी में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कॉन्ट्रैक्टर में कोट हाई प्राइस फॉर द आइटम इन लार्ज क्वांटिटी एंड लो प्राइस फॉर द आइटम इन द स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई वो जो रेट है वो चेंज करे उसके हिसाब से, ठीक है। पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली द फाइनल कॉस्ट ऑफ द वर्क प्रिसाइसली, और आपको फाइनली कितना कॉस्ट लगने वाला प्रोजेक्ट का वो आपका या आपका कॉन्ट्रैक्ट का वो आपको पता चलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपना है भाई, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट जरा ध्यान दो क्या होता है। सिमिलर टू आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, सिमिलर रहते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ क्या है, एक्सेप्ट इन द मेथड ऑफ टेंडरिंग ए यूनिट रेट, ठीक है। ये इसमें क्या रहता है, सिर्फ एक्सेप्ट, अलग क्या होता है इसमें, मेथड ऑफ टेंडरिंग यूनिट रेट्स। The bill of quantity in this case include unit rates. इसमें bill, इसमें क्या, उसमें क्या रेट खुद से डाल रहता है, लेकिन यहाँ पर रेट खुद दिए होते, ठीक है। In this case include the unit rates along with the quantity of the item work out by the engineer in charge. यहाँ पर engineer in charge क्या करते हैं, quantity को निकाल के देते हैं, ठीक है। While tendering the contractor are only to provide a percentage figure by which the essential unit rate are to be increases or decreases applicable to all the items. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, एक परसेंटेज देता है, इस परसेंटेज में वो काम करा के देगा, करके देगा, ठीक है। दिस सिस्टम इज यूजली अडोप्टेड ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे यही कौन सा होता है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट से हम करते हैं, ठीक है। देखो बेनिफिट्स क्लेम बाय दिस फॉर्म ओवर द आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इज दैट, इसका बेनिफिट क्या होता है, स्क्रूटनिंग दी टेंडर बिफोर एक्सेप्टेंस इज मच सिंप्लीफाइड, यहाँ पे स्क्रूटनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। रिमूव प्रॉब्लम सच एज ए फ्रंट लोडिंग, ये जो फ्रंट लोडिंग की प्रॉब्लम होती है उसको क्या करते थे हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है एस आर नंबर, ए बी सी, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, क्वान्टिटी, रेट, अमाउंट, सब आपको यहाँ पे दिया रहता है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या रहेगा, द कॉन्ट्रैक्टर हैज वर्क आउट द टोटल अमाउंट टू बी जेड, if z greater than the given amount of w then the percentage rate quoted would be z minus w by w into 100 above w. next came if z less than the given amount of the w quoted, kaise hoga w minus z by a, ye aapka formula yahan pe rehta kitna percentage aayega. next lump sum contract hota hai, ek hota hai that is a lump sum, hum bolte na yaar lump sum mein bol kitna lagega, aise a lump sum contract is the oldest form of the contract in which contractor are required to quote a fixed amount for the execution of work in all respect. यानी कि क्या बोलते हैं, अभी भी हम बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि भाई मटेरियल वटेरियल सब तेरा रहेगा, पता ये इतना काम करना है कितना पैसे लगेगा। Only possible when all the detail of work is presented in the drawing so that the
कॉन्ट्रेक्टर में वर्क आउट द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर पूरी ड्रॉइंग वगैरह आपके पास प्रिपेयर है, आपने उसको बोले भाई ये है, इसके बेसिस पे कितना पैसे लगेगा, तो वो निकाल देगा। फॉर मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रेक्टर सम परसेंटेज ऑफ द टोटल लम सम इज एग्रीड अपॉन फॉर द वेरियस स्टेजेस ऑफ वर्क ऑफ कंप्लीशन। अब उसको क्या करेंगे, आप पैसे कब कब देंगे, जब उस स्टेज पे कंप्लीट होता है। या देखो मान लो आपने कुछ स्टेज कंप्लीट किया तो थोड़ा इतना अमाउंट ऑफ, मान लो अगर 100% है, मतलब प्लिंथ बीम वगैरह कंप्लीट कर दिया, आप बोलोगे 5% 10% पेमेंट कर दे। फर्स्ट स्लैब का आपने बोलो 20% दो, तो उसके ऊपर और वॉल बनाया आपने बोलो 40% कर दो, ऐसा आप परसेंटेज वाइज क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते। दिस इज फाउंड टू इफेक्टिव ओनली व्हेन, फॉर स्मॉल जॉब के लिए इफेक्टिव होता है व्हेन द प्रिसाइजली एंड एग्जैक्टली डिस्क्राइब वर्क, जो प्रिसाइज रहेगा और एग्जैक्टली उसको डिस्क्राइब किया गया तब ये अच्छा है। और जहां पे अल्टरेशन की चांसेस बहुत कम, मिनिमम अल्टरेशन जहां पे होते हैं, ठीक है। नो रिस्क हैजार्ड्स कैन बी विजुलाइज्ड बिफोर हैंड, यानी यहाँ पे कोई हैजार्ड वजार्ड का या कोई रिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या इसका, अवॉइड ए लॉट ऑफ डिटेल अकाउंटिंग देयर बाय मेकिंग ए जॉब इजी, यहाँ पे अकाउंटिंग वगैरह नहीं करना पड़ता, जॉब इजी हो जाता है। क्लाइंट नो द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लाइंट को पता रहता है फाइनल कितना पैसे जाने वाले, एट द टाइम ऑफ द साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते तो पता रहता है इतना अमाउंट जाने वाले, ठीक है। अर्ली कंप्लीशन ऑफ वर्क इज सीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज ईगर टू कंप्लीट हिज वर्क एंड रिलेटिव हिज सोर्सेस, यानी कि क्या अगर जल्दी भी वो कंप्लीट करते हैं, अर्ली कंप्लीशन ऑफ द वर्क सीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज ईगर टू कंप्लीट द, अगर जितना फटाफट करेगा उसको उतना जल्द पैसे भी मिलेगा। नो नीड फॉर द फिजिकल मेजरमेंट्स ऑन द साइड, साइड पे जाके मेजर करने की भी जरूरत नहीं होती, इसमें भी डिले वगैरह हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, मेजर डिसएडवांटेज टू द कॉन्ट्रैक्टर सीन्स वेरियस रिस्क एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट गेट ट्रांसफॉर्म टू हिम, जो भी रिस्क रहेगा वो सब किसके पास चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर उसमें चला जाए। इफ नो इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम हैज बीन मेड एंड द कॉन्ट्रैक्टर अबैंडन्स द वर्क बिफोर कंप्लीशन, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू पेमेंट फॉर द पोर्शन ऑफ द वर्क ऑलरेडी डन हाउएवर सब्सटेंशियली इट मे बी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि मान लो जितने काम उसने कर दिया वो छोड़ के चला गया बीच में से, तो अब वो क्या करेगा, जो आगे का काम उसका पेमेंट वगैरह वो कुछ देगा नहीं, ऐसा ये बोल रहे, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते भाई कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली रिक्वायर ओनर टू पे फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द टॉप ऑफ द सेपरेट पेमेंट टू कवर द कॉन्ट्रैक्टर्स ओवरहेड एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्या रिक्वायर्ड, ऑनर पे करते हैं यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। ये किस किस टाइप के, दे कैन बी ऑफ फॉलोइंग, कॉस्ट प्लस परसेंटेज, कॉस्ट प्लस फिक्स फी, कॉस्ट प्लस फ्लक्चुएशन फीस, ऐसे आपको कॉस्ट प्लस परसेंटेज, कॉस्ट प्लस फिक्स फी, कॉस्ट प्लस फ्लक्चुएशन फीस, यहाँ पे ऐसे रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, तीन अलग अलग टाइप, देखो कॉस्ट प्लस परसेंटेज अमाउंट पेड फॉर द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड इज डिपेंडेंट ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि हम क्या करते हैं कॉस्ट तो रहेगा पर प्रोजेक्ट का कॉस्ट का कुछ परसेंटेज हम क्या कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को दे देंगे, ठीक है। मेजर ड्रॉबैक ऑफ द लैक ऑफ द इंसेंटिव टू द कॉन्ट्रैक्टर टू द वर्क इकोनॉमिकली, यहाँ पे लैक क्या होता है कि इंसेंटिव नहीं मिलता है। नेक्स्ट कॉस्ट प्लस फिक्स फी, स्पेसिफिक फिक्स लम सम टू बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय ओनर ओवर एंड अबो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क, जो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल वर्क रहता है उसके ऊपर नीचे उसी रेंज में क्या करते हैं उसको पे करते हैं। नो इंसेंटिव फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू बी वर्क एफिशिएंटली, नो इंसेंटिव दिया जाता है इसमें, कोई ऐसे इंसेंटिव नहीं मिलेगा फॉर कॉन्ट्रैक्टर टू बी वर्क एफिशिएंटली, कितना अच्छे से भी वो काम कर ले। ही मे ट्राई टू स्पीड अप द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टू मैक्सिमाइज अ प्रॉफिट, वो क्या कर सकते चीजों को फटाफट करेगा अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। कॉस्ट प्लस फ्लक्चुएटिंग फीस, कॉन्ट्रैक्टर इज पेड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्लस एन अमाउंट ऑफ फ्री इन्वर्सली वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, जैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसके हिसाब से उसको फ्लक्चुएटिंग फी मिलेगी, ठीक है। ओके, एस्टिमेटेड कॉस्ट एग्री बाय द ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर दोनों के ऊपर क्या करना चाहिए, एग्री होने चाहिए, ठीक है। हायर द एक्चुअल कॉस्ट द लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ द फी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फ्लक्चुएटिंग फी क्या कम हो जाएगी अगर लो हो जाएगा कॉस्ट, हायर द एक्चुअल कॉस्ट द लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ द फी एंड वाइस वर्सा, हायर अगर कॉस्ट तो फी कम देंगे ऐसा। इफ एक्चुअल कॉस्ट इज लोअर बोथ ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर विल बी
बेनिफिटेड, अगर एक्चुअल कॉस्ट अगर क्या लोअर है तो ऑनर भी बेनिफिट होगा और कॉन्ट्रेक्टर भी क्या होगा बेनिफिट होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखो फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट है, जैसे यहां पे दिखा है, देखो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट दिया 6% इसमें तो ये आ जाएगा, कॉन्ट्रेक्टर फीस इतने 6% इसका, ठीक है। ये सब दिखा है कॉन्ट्रेक्टर्स, कॉन्ट्रेक्टर फीस ये दिखा है, जैसे 11% 12% 13% आप अलग से यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ट्रंक की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ट्रंक की कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन, डिजाइन भी उसको बनाना है और एग्जीक्यूशन भी उसको ही करना है, दोनों के लिए वही रिस्पॉन्सिबल। क्लाइंट स्टिल ऑब्वियसली प्रोवाइड फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड अप्रूव द डिजाइन ड्रॉइंग, यानी कि जो क्लाइंट रहेगा वो डिजाइन देखेगा ड्रॉइंग देखेगा फिर अप्रूव करेगा। द कॉन्ट्रैक्टर विल प्रोवाइड द वर्क रेडी एट द फिक्स डेट एंड एग्री रेट, यानी कि एक फिक्स रेट पे काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। एज पैकेज कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन एंड बिल्ट और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोलते हैं, इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर सेव द क्लाइंट फ्रॉम द लॉट ऑफ द डिटेल इंजीनियरिंग, ये क्लाइंट को यहाँ पे बार बार चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे सच ए कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन फाउंड टू बी स्पेशली यूजफुल इन ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग एंड सीन टिपिकली इन ए डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज इंक्लूडिंग ए पेट्रोकेमिकल प्लांट एंड ए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट पेट्रोकेमिकल पावर प्लांट स्टेशन लगाने हो जहाँ पे बहुत सारे काम करने होंगे, जैसे भाई नॉर्मल काम भी करना है केमिकल मैकेनिकल सिविल सारे वर्क उस पर रिलेटेड है ना, वहां पे क्या ट्रंक की कॉन्ट्रैक्ट लोग जनरली करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट जनरली ये करती है, ठीक है। बिल्ड ऑपरेट बीओटी कॉन्ट्रैक्ट फॉलो द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। विच इन्वॉल्व ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर्स अथॉरिटी एंड प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन विच द लेटर प्रोवाइड ए पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट एंड एज्यूम ए फाइनेंशियल टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क इन ए प्रोजेक्ट। क्या करते हैं जैसे मैं आपको सिंपल से पहले समझा दूं फिर बातें करता हूं इसके साथ। मान लो जैसे मैंने एक रोड बनाई गवर्नमेंट में, मैं प्राइवेट एजेंसी हूँ गवर्नमेंट की, मैंने रोड बना दिया, अब मान लो उसके ऊपर टोल चार्ज करूंगा मैं उसके ऊपर, तो मेरा पैसे क्या हो जाएगा उस टोल से कलेक्ट हो जाएंगे इंटरेस्ट के साथ, फिर मैं क्या करूंगा वो गवर्नमेंट को क्या कर दूंगा ट्रांसफर कर दूंगा, इसको ही बोलते हैं बीओटी, ठीक है। इन बीओटी कॉन्ट्रैक्ट द प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट इट्स ओन मनी, बीओटी में प्राइवेट पार्टी खुद के ओन मनी फॉर द बिल्डिंग एंड एनी फैसिलिटी के लिए, ठीक है। जैसे सिटीजन है ये प्राइवेट पार्टी है और ये क्या पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है। यहाँ पे इट इज देन अलाउड टू यूज अ रिटर्न बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ द प्रोवाइड पीरियड नोन एज ए कंसेशन पीरियड, कंसेशन पीरियड बोलो तो मान लो ये मैंने रोड बनाई प्राइवेट कंपनी, तो लोग मान लो मेरे को 10 साल बोलो तुम 10 साल यूज कर सकते हो, मेरे को टोल जो कलेक्ट करूंगा मैं उससे मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द कंसेशन पीरियड द फैसिलिटी इज ट्रांसफर्ड बैक टू द पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन मैंने जैसे बोला ना एक मैंने हाईवे बनाया उस हाईवे पे मैंने प्राइवेटली बनाया उस हाईवे पे जो टैक्स वैक्स रहेगा मैं वो वसूलूंगा, एक बार जो मैंने पैसे लगाया इंटरेस्ट के साथ जो मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे फाइनली मैं वो प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा गवर्नमेंट को क्या कर दूंगा ट्रांसफर कर दूंगा, तो इसको बोलते बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो भाई एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन मोस्टली आ सकते हैं, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो होप आपको मजा आ रहेगा, तो यहाँ पे मैंने जो दोनों यूनिट में जो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं आर्बिट्रेशन एक बार कर लेना वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए मस्त रहिए।